तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? क्या यार, आजकल तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कर दिया करो, क्या जाता है तुम्हारा? खैर चलो, मतलब जो ये वीडियो जिस टॉपिक पर बनी है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अक्सर क्या होता है, मतलब यार यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको देखो यार, मतलब नॉर्मली यार बंदों को दो या तीन रीनेम कार्ड मिलते हैं जो कि जिससे कि नाम चेंज कर सकते हैं ना। तो यूजुअली क्या होता है, दो से तीन कार्ड यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे को आईडी कार्ड चाहिए थी, मेरे को नाम चेंज करना, या फिर तुम पहले किसी और क्लेन में थे या क्लेन का तुम्हारा नाम कुछ और था और उसके बाद तुमने कोई और क्लेन ज्वाइन कर लिया, या फिर क्लेन का नाम मतलब तुमने चेंज कर दिया और अब तुमको वो क्लेन के साथ वो एक जैसा नाम रखना है ना। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो यार, सिंपली करना क्या, तुमको जिस आईडी पर तुमको आईडी कार्ड चाहिए ना, मतलब जो रीनेम आईडी कार्ड हो जिससे तुम अपना नाम चेंज कर सकते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो, तो उस आईडी पर तुमको देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर तुमको कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना? वो डायलॉग है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही यू नो काइंड ऑफ वही वाली बात है। तो देखो, करना क्या, तुमको जिस आईडी पर रीनेम कार्ड जो चाहिए तो तुमको वो आईडी 2 वीक तक तुमको बंद रखनी पड़ेगी, ठीक है? बंद रखने से पड़ेगी से मेरा मतलब है तुमको वो अकाउंट लॉग आउट कर देना है, एक कोई नया अकाउंट तुम जीमेल से या कोई भी कैसे भी एफबी से अगर है तो तुम जीमेल से बना सकते हो। अगर अभी तक तुम्हारा जीमेल पर से था तो तुम दूसरा जीमेल या और दूसरा एफबी पे से बना सकते हो। तो तुमको क्या करना है, 2 वीक तक वो अकाउंट पर लॉग इन करना ही नहीं है, ठीक है? तो 2 वीक बाद जब तुम लॉग इन करोगे ना, तो तुम्हारे तुमको एक चीज़ मिलेगी, ठीक है? ये रिटर्नर वाली देख सकते हो, रिटर्नर, ठीक है? तो खैर, ये तो देखो टॉप मतलब फर्स्ट 8 डेज में तो तुमको मिलेगा उसके बारे में, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे ना रिटर्नर के अंदर, रिटर्न मिशन के अंदर, भाई यहाँ देखो असली माल छुपा हुआ है। ये देख सकते हो तुम आईडी कार्ड, ओके, रिटर्नर एक्टिविटी रिवॉर्ड यू विल ऑब्टेन द फॉलोइंग आइटम्स, ये है तुम्हारा आईडी कार्ड, ठीक है? उसी के साथ एक और चीज़ मतलब मिलेगी, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होंगे। देखो जैसे कि तुम देख सकते हो, एक ये मिलेगा तुमको स्कल सेट, फिर एक है 10 स्कल शेडो सेट, और उसके बाद एक आता है, फिर एक स्किन है जो थोड़ी बेसिक सी स्किन है, डेजर्ट कॉम्बो है S12K का, ठीक है? तो ये तुम्हारे पर टोटली डिपेंड करता है यार। देखो तुमको जो भी चाहिए, ठीक है? तो जब ये जैसे आईडी कार्ड, ओके मेरा थोड़ा नेट टट्टी चल रहा है अभी, तो हाँ, तो ये जब आईडी कार्ड वाला सेक्शन ये मतलब यहाँ तक तुम पहुँच जाओगे, उसके बाद तुम मतलब ये जब तक तुम्हारा ये यहाँ तक नहीं आएगा तब तक तुम कोई भी ऑप्शन में से चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे मतलब ये अगर कंप्लीट हो गया एक बार, उसके बाद फिर तुम चेंज नहीं कर सकते। तो थोड़ा ध्यान रख लेना यार तुमको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? तो बस एक यही छोटी सी ट्रिक थी देखो तुमको, तो जो मैं मतलब बताना चाहता था ये बहुत इजी है, बस तुमको यही है कि यार थोड़ा बहुत बलिदान तो देना पड़ेगा, ठीक है? इसके अंदर देखो रिटर्न और मिशन के अंदर तुम देखोगे तो कुछ खास मिशन भी नहीं है। देखो जैसे कि वार्म अप में एक एयरकेड मैच खेलनी है, ठीक है? एक क्लासिक मैच खेलनी है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद 3 क्लासिक मैच खेलनी है, क्लासिक मैच में टॉप 10 आना है ना, मतलब यार कुछ भी नहीं है। मतलब तुम समझो ना, एक ही दिन खेलोगे ना आराम से, ये पूरा का पूरा तुमको आईडी कार्ड भी मिल जाएगा, फिर ये जो 3 सिलेक्शन में से कोई भी तुम सिलेक्ट जो भी कंफर्म करते हो वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो यार इट्स यू नो काइंड ऑफ की मतलब सही है यार, अगर तुम्हारे पास रॉयल पास नहीं है, है ना? रॉयल पास वालों का तो क्या है कि 300 UC दे के उनको तो मतलब मिल जाता है वो आईडी कार्ड, बट जो जिनके पास रॉयल पास नहीं है और मतलब वो चाहते कि हाँ, जैसे कि यार देखो, जैसे कि मेरा क्लेन है, हमारा सबका नाम डेडली डेडली डेडली, उसके बाद फिर सबने अपना नाम लगा रखा है, तो यार वो एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है, एक अलग ही लगता है कि हाँ भाई क्लेन के मेंबर है, मतलब थोड़ा आती वो वाले फीलिंग, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही एक ट्रिक थी यार, तुम ट्राई कर सकते हो। देखो यार थोड़ा बहुत तो बलिदान देना पड़ेगा, है ना? अब तुम सोचो कि भाई एक क्लिक करते मेरे को सब चीज़ मिल जाए, तो यार वो तो नहीं हो सकता। तो यार ये ट्राई करना ज़रूर, और यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक तुमको कैसी लगी। स्पेशली जिनको अब आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है, तो वो लोग स्पेशली ज़रूर मतलब कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक तुमको कैसे लगी और तुम ये ट्राई करने वाले हो या नहीं, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात सर, अभी देखो एक्चुअली क्या है कि पबजी, देखो तुमको पता है हर एक अपडेट पबजी का वो अपडेट तो नहीं लाता, पता नहीं, पर बहुत सारे हैकर्स और ग्लिच और बग्स वो लेके ज़रूर आता है। तो यार इस बार भी वही है, देखो Season 9 आ चुका है, सबको पता है, पर इतने भाई दुनिया भर के मतलब बग्स और ग्लिचेस टाइम डाल दिए ना भाई ना, मतलब हर एक एक बार तो वन टैप, हर एक मैगजीन पे वन टैप ग्लिच हो रहा है, ठीक है? फिर गोलियां चलने की वजह से यार अभी गेम प्ले अपलोड मतलब जब तक अपडेट नहीं आएगा और जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक गेम प्ले वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? और वैसे भी तुम लोग कहाँ यार लाइक एंड शेयर करते ही हो, तो खैर कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।